दोस्तों जब भी आप घर से बाहर घूमने के लिए या फिर मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं तो आने जाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये भाई साहब ऑटो रिक्शाज का। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा ये ऑटो रिक्शाज आए कहाँ से, इनका इतिहास क्या है और क्यों दूसरी कंट्रीज में इन ऑटो रिक्शाज का इस्तेमाल नहीं होता, हमारे भारत देश में टैक्सीज क्यों नहीं आ गई इन ऑटो रिक्शाज के कंपैरिजन में, और आखिर कैसे बना भारत देश सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा इस्तेमाल करने वाला पहला देश। अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं पता तो आइए दोस्तों मिलकर जानते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो भारत और साउथ एशिया की पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में तो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है वो है ऑटो रिक्शास का इस्तेमाल, जो कि भारत में लाखों की संख्या में होता है। बाकी की दुनिया के देशों में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्सीज और इंडिविजुअल कार का इस्तेमाल होता है। तो फिर ये ऑटो रिक्शास भारत में आए कहाँ से और क्यों लोग जो है कंफर्टेबल कार के कंपैरिजन में ऑटोज का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करते हैं और क्यों जो लोग थे हमारे भारत के ऑटो रिक्शा से टैक्सीज में शिफ्ट क्यों नहीं हुए, तो बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में ऑटो रिक्शा के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसका इतिहास क्या है, पहला ऑटो रिक्शा कहाँ बना था और हमारे भारत में ऑटो रिक्शा आए कहाँ से, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और मेरे कई दोस्त लोग हैं हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन दोस्तों एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और आने वाले फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट लेके आने वाला हूं, तो इंतजार कीजिएगा और हमारी वीडियोस को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इससे हमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ऑटो रिक्शा कोई भी चीज को ढोने वाला एक वाहन है, अगर हम साइकिल रिक्शा में एक मोटर फिट कर दें तो ये एक अपडेटेड वर्जन बन जाता है साइकिल रिक्शा का, वही कहलाता है ऑटो रिक्शा, जिसमें तीन पहिए होते हैं जो कि झुकते नहीं है किसी साइकिल के कंपैरिजन में। दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर ये कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि बे ऑटो, ऑटो रिक्शा, बेबी टैक्सी, मोटो टैक्सी, कबूतर, जॉनी बी, बजाज, चांद गाड़ी, लपा, टुक टुक, के नापेप, मरूबा, थ्री व्हील, प्रज्ञा, बाव बाव और टुक्सी। ऑटो रिक्शा के कई अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं, जिसमें सबसे आम प्रकार का डिज़ाइन होता है जिसकी बॉडी सीट मेटल की बनी होती है, तीन पहिए दिए होते हैं और उन पर आराम करने वाले खुले फ्रेम लगे होते हैं, ड्रॉप डाउन साइड पर्दे के साथ कैनवास की छत दी रखी होती है, ड्राइवर के लिए सामने एक छोटा सा कैबिन भी अवेलेबल होता है, हैंडल बार नियंत्रण के साथ यहाँ पर दिया होता है और पीछे की तरफ एक कार्गो होता है, यात्रियों के लिए पीछे सीट लगी होती है जिसपे 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं और ये ऑटो सामान्य तौर पर देखने में लगभग 3 व्हीलर मोटरसाइकिल की तरह लगते हैं। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि ऑटो रिक्शा का जन्म हमारे भारत में या फिर साउथ एशिया में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑटो रिक्शा का जन्म या फिर इनकी शुरुआत फ्रांस से होना शुरू हुई थी। 1879 के दौर में फ्रांस में हाथ से ढोने वाली गाड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसमें पीछे 2 पहिए लगे होते थे और एक बंदा इसको खींचता था। वहां पर इसका इस्तेमाल विनेगर यानी छिड़के को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो लोग करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वहां पर हाथ से ढोने वाली गाड़ी का इस्तेमाल होना बंद हो गया और फ्रांस वाले जो थे वो कार की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके बाद हाथ से ढोने वाली गाड़ियों को अपनाया 1880 में जापान ने। जापान काफी इनोवेशन वाला देश था, वहां पर उस टाइम पर बॉल बेयरिंग्स का जमाना आ चुका था। बॉल बेयरिंग्स के पहियों में लगने के वजह से पहियों में काफी ज्यादा स्मूथनेस आ गई थी। स्मूथनेस आने के वजह से जापान ने इन हाथ से ढोने वाली गाड़ियों को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी, उन्होंने इसको लाइसेंस की मान्यता दी और आने वाले टाइम में उन्होंने इसको एक तरीके से रोजगार बना लिया, जिसमें एक बंदा इस गाड़ी को खींचता था और पीछे 2 लोग या 1 लोग बंदा बैठ जाता था। धीरे धीरे जापान ने इसमें चेंजेस किए, उन्होंने एक इंसान की जगह वहां पर एक घोड़े को लगा दिया और पीछे 4 लोग बैठने लगे, जो काइंड ऑफ आप तांगा देखते हो ना वो जापान की ही देन है। उसके बाद उन्होंने 2 पहिए की जगह 3 पहिए लगा दिए, वो काइंड ऑफ एक रिक्शा बन गया। रिक्शा बन गया जो कि आज हम लोग नॉर्मल रिक्शा देखते हैं वो जापान की ही देन है। और दोस्तों फिर शुरू हुआ ऑटो रिक्शा का एवोल्यूशन। अगर दोस्तों आप ऑटो रिक्शा के इतिहास को खंगालने बैठेंगे तो आप 1886 के जर्मनी तक पहुंच जाएंगे, जब बेंज ने एक ट्राईसाइकिल में मोटर फिट करके पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन इस बारे में जापान का दावा ज़्यादा मजबूत लगता है। जब 1931 में माजदा ने एक 3 व्हीलर ओपन ट्रक मार्केट में उतारा तो समझ लो मार्केट में बवाल मच गया। लेकिन असल में ये दोस्तों एक मॉडिफाइड बाइक ही थी जिसका इस्तेमाल लोडिंग में होता था। ये मॉडिफाइड बाइक आपको आज भी जापान के एक म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी, जो कि
पहले ऑटो रिक्शा की एक निशानी है। दोस्तों, दुनिया को भारत ने दिया पहला ऑटो रिक्शा। दुनिया को ऑटो रिक्शा शब्द भारत की देन है। वर्ष 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद कई उद्योगपतियों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक थे फोर्स मोटर्स के फाउंडर एनके फिरोडिया, जिन्होंने मोटर से चलने वाले रिक्शा के लिए ऑटो रिक्शा शब्द का इन्वेंशन किया था। अब ये शब्द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी तक में शामिल हो चुका है। वर्ष 1948 में फिरोडिया ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना ऑटो रिक्शा दिखाया। फिरोडिया ने इसके लिए उस समय बचराट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर बनाया था। बाद में यही कंपनी बजाज ऑटो नाम से पहचानी गई। दोस्तों, बजाज लाई देश का पहला ऑटो रिक्शा। भारतीय बाजार में पहला ऑटो रिक्शा बजाज ऑटो ने 1948 में उतारा। उस समय देश में उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना होता था और बजाज ऑटो को सालाना 1000 ऑटो रिक्शा बनाने का लाइसेंस मिला था। लेकिन बजाज के ऑटो रिक्शा ने टैक्सी और हाथ रिक्शा के बीच की जगह को भरा और आज ये शहरी यातायात का सबसे जरूरी अंग है। दोस्तों, आज दुनिया भर में भारत के ऑटो रिक्शा की डिमांड है। भारत में बजाज के अलावा टीवीएस मोटर कंपनी, अतुल ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो रिक्शा बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई, अफ्रीकी और ट्रॉपिकल कंट्रीज में इसकी बहुत मांग है। दोस्तों, आज भारत की बजाज ऑटो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो रिक्शा बनाने वाली कंपनी है। अगर हम पिछले 2 साल पहले का डेटा उठाकर देखें तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 7,80,000 ऑटोज का प्रोडक्शन उस वक्त हुआ था। दोस्तों, बजाज ऑटो अपना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑटोज का यहाँ भारत में भी करती है और बाहर के देशों में भी करती है, जैसे कि केन्या, नाइजीरिया, श्रीलंका, सूडान, सोमालिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बजाज अपने ऑटो रिक्शास का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन कंक्लूजन की। हमारा भारत जो है वो ऑटो रिक्शा से टैक्सीज में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत में जो ऑटो रिक्शा हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में। ऑटो रिक्शा को खरीदना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको कोई भी बंदा खरीद सकता है, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और इसको ऑपरेट करना आसान है। और जो ऑटो रिक्शाज हैं वो ऑपरेट होते हैं LPG और CNG की से, जो कि काफ़ी हद तक सस्ती पड़ती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। इसको चलाने वाले को बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो उसमें बैठने वाला जो यात्री है उसकी जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, तो इसका फ़ायदा उसको भी मिलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो भारत के नागरिक हैं वो आज भी ऑटो से टैक्सीज में शिफ्ट नहीं हुए, वो आज भी ऑटो रिक्शा को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन। और देश जो थे वो ऑटो रिक्शा से टैक्सीज में शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। अगर दोस्तों हमारे भारत देश में टैक्सीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लग गया तो ये टैक्सीज रोड पर स्पेस बहुत ज़्यादा घेरेंगी, क्योंकि दोस्तों ऑटो रिक्शा जो है वो रोड पर स्पेस कम घेरते हैं और पतली जगह में कट मारकर कहीं से भी निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक तीसरा कारण हो सकता है हमारे भारत देश में ऑटो रिक्शा से टैक्सीज में ना शिफ्ट होने का। दोस्तों कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शाज भी सेटल होना शुरू हो गए हैं और आने वाले भविष्य में ऑटो रिक्शाज का हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम में इलेक्ट्रिक रिक्शाज का भी जमाना आ चुका है और लोग इसको भी प्रेफरेंस देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का साधन बन चुके हैं और अब तक इनकी जो सेल है वो हो चुकी है 1.5 मिलियन के अक्रॉस। आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक रिक्शाज का होगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही ऑटो रिक्शा का डिक्लाइन होगा। इन दी एंड अगर हम बात करें ऑटो रिक्शा के इतिहास की, तो ऑटो रिक्शा जो है वो भारत में आए दूसरे कंट्रीज की वजह से और यहाँ पर आने के बाद लोगों ने इसको एक अच्छा मीडियम माना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया और इसका प्रोडक्शन भारत में काफ़ी तेज़ी से होने लग गया, और इसीलिए लोग इसको ऑटो रिक्शाज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये लो मेंटेनेंस होते हैं और चीपेबल होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कर दें इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ऑटो रिक्शाज के बारे में अच्छे से जान सकें। बाकी दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑटो रिक्शा की वीडियो कैसी लगी, और हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वहाँ पर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं और आपके कोई डाउट हैं तो वहाँ पर वो भी क्लियर हो सकते हैं, और कोई आपके पास फैक्ट हैं वो भी वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर ढेरों ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पर विजिट करके उन कंटेंट्स को आप वॉच कर सकते हैं। 3 सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स की चल रही है, हिस्टोरिकल कंटेंट की चल रही है और एक्सप्लोरेशन वीडियोज़ की चल रही है। तो दोस्तों अगर आपको वो प्लेलिस्ट अच्छी लगे देखने के बाद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।